तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है शानदार जानदार कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, है ना। बहुत अच्छे से आप समझते हैं कि आप लायक हैं या नहीं है। मैं जानता हूं आप सब कुछ करने लायक हैं। आप सीए क्या तो दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री करने लायक हैं। मैं तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी क्षमता पहचानता हूं। हाँ सर, आप बिल्कुल लायक हैं, बिल्कुल लायक हैं। और लायक होने का फर्ज और लायक होने का कर्ज अदा करने का वक्त आ चुका है। घर वाले हमें कितने नालायक सोच रहे हो, पर आपको ये रिजल्ट ला के दिखाना कि सर हम नालायक नहीं, हम लायक हैं। तो जैसे ही हम लायक हैं, इसलिए चैप्टर का नाम भी क्या है कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है या नहीं है। तो इसी चैप्टर का नाम है कैपेसिटी, क्या आप लायक हैं ऑफ पार्टीज की, कोई भी पार्टी लायक है किसके सर, टू एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट, टू एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट 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 करने के लायक है या नहीं है, है कि नहीं बात, राइट। ये चैप्टर को हमें सीखना है सर। सर सबसे पहले बड़ी अजीब विडंबना है। चैप्टर का नाम है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हैं, पर चैप्टर में उल्टा पढ़ना है। चैप्टर में पढ़ना है कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है। रे पुष्पा, कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं, चैप्टर का नाम क्या है, कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है, पर चैप्टर पढ़ना कौन सा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है। पढ़ना उल्टा है, पढ़ना उल्टा है। कैसे पढ़ना उल्टा है, हमें पढ़ना कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है, ये पढ़ना है। तो पहले सेक्शन 11 ने बोला कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है, जो 18 प्लस है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है, जो दिमागी तौर पर बिल्कुल साउंड है, तुम्हारी तरह है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। साउंड माइंड बोले तो जो दिमागी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है ना, बिल्कुल सही मेंटल स्टेट में है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। और जिसे लॉ ने मना नहीं किया, जिसे कानून ने मना नहीं किया, लॉ ने मना नहीं किया, जिसे लॉ ने मना नहीं किया वो लायक है, राइट। यानी तीन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होते हैं। एक 18 से ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होता है, एक साउंड माइंड आता माजी शटकली साउंड माइंड वाला लायक होता है, और दोस्तों याद रखना ये बात, मैं पाकिस्तान बैंड पर मुकार सकता हूँ, तो मैं दुनिया में कहीं बैंड पर मुकार सकता हूँ। तो तीसरा बंदा कौन होगा, तीसरा बंदा वो होगा दोस्तों जिसे कानून ने कह रखा है तू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि जिसे कानून ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जिसे कानून मना नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो वो लायक है। सर पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है दोस्तों, उतनी और उतनी पढ़ना क्या है, उतनी और उतनी पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता, यानी रिवर्स पढ़ना है। हमें यह नहीं पढ़ना कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता, हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता। जो 18 से कम है उसे हम बोलते हैं माइनर, जो 18 से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो मेंटल स्टेट में नहीं है, सही मेंटल स्टेट में नहीं है, उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, जिसके दिमाग में केमिकल लोचा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे मुन्ना भाई। और कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता, जिसे लॉ ने मना किया, जिसे लॉ ने मना कर दिया, जिसे लॉ ने मना कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इस टॉपिक के अंदर जाके हम समझेंगे किसे लॉ ने मना कर रखा है। मैंने पहले बताया जैसे कैदी, कैदी जो जेल में सजा काट रहा है भैया, कैदी जो सजा काट रहा है जेल में है ना, उसे लॉ ने मना कर रखा है, भाई तू कैदी है तो सजा काट रहा है, तू कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तू ना कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल भी ना कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं बात। उसे लॉ ने मना 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 कर दिया, समझ गए सर, ठीक है ना। अब सबसे पहले टॉपिक कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आज का टॉपिक है सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जिसके दिमाग में केमिकल लोचा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ लोगों को लॉ ने मना कर रखा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो भैया आज का टॉपिक क्या है, बोलो, समझ गए सर। आज का टॉपिक है बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और बच्चे की उम्र क्या है, 18 साल, यानी 18 साल से नीचे के जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 18 साल से नीचे के जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर ये किस बात से पता लगा कि 18 साल से नीचे के बालक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बता सकते हो किस बात से पता लगा। सर ये किसी बात से नहीं, किसी लॉ से नहीं, ये एक केस लॉ से पता लगा। बोलो केस लॉ का नाम, बोलो ना पुष्पा, केस लॉ का नाम क्या था पुष्पा, फायर बनने का है, फ्लावर नहीं फायर बनने का है, बोलो जल्दी पुष्पा, बोल लो रे, क्या नाम था सर। हाँ सर, एक आंटी जी थी, बिल्कुल सही बोले हैं, एक आंटी जी थी जिनका नाम था मोहिरी बीबी, जिनका नाम क्या था सर,
मोहिरी बीबी। एक अंकल जी थे जिनका नाम था धर्मदास घोष। बहुत बढ़िया। धर्मदास घोष ने लोन के लिए अप्लाई किया कि लोन दे दो रे। साथ में क्या किया, अपना मकान गिरवी रख दिया। अपना मकान गिरवी रख दिया, नहीं मॉर्गेज रख दिया। मोहिर बीबी ने क्या किया, धर्मदास गोष्ट ना है भैया, घोष है। हाँ, एग्जाम में घोष्ट ना लिखा ना, ठीक है, धर्मदास घोष्ट, ठीक है। मोहिर बीबी ने क्या किया, लोन दे दिया। अब जब लोन चुकाने की बारी आई, हुआ ये कि जब लोन चुकाने की बारी आई तो लोन चुकता नहीं हो पाया। धर्म बाबू ने क्या बोल दिया, धर्मदास बाबू ने बोल दिया, ई नहीं चल, हम नहीं चुका पाएंगे। तो मोहिर बीबी ने कहा, मुन्ना मत चुका, है ना, राइट। मैं तेरा मकान बेच के पैसा निकाल लूंगी, जो पैसा तेरे लोन का है वहां पे तेरा मकान बेच के निकाल लूंगी। तो जब बात मकान बिकानी बात कोर्ट तक पहुंची तो जज साहब ने बोला कि बीबी जी, है ना, क्या बोला, बीबी जी आपने जो लोन दिया और जो मकान आप बेचना चाहते हैं, मकान सेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो लोन एग्रीमेंट है, मॉर्गेज एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट बेकार है, ये एग्रीमेंट बेकार है। बीबी जी आप सेक्शन 10 भूल गई, आप बीबी जी सेक्शन 10 भूल गई। 1872 में हमने सेक्शन 10 में बहुत ही जबरदस्त बात लिख दी थी हमने। क्या बात लिख दी थी कि कैपेसिटी होनी चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होने चाहिए। अरे कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होने चाहिए, उत्तरी क्या कर दिया बीबी जी के साथ, क्या कर दिया, आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होने चाहिए, है कि नहीं बात, राइट। आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होने चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक बंदा होता है जिसकी उम्र 18 से ऊपर है। धर्मदास घोष की एज लेस देन 18 थी, इसलिए धर्मदास घोष के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सेक्शन 10 आप पढ़ के नहीं आई बीबी जी, सीधा आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ई नहीं चौल पे आप हारेंगी। तो जज साहब ने कहा मकान नहीं बिक सकता, क्योंकि मकान बेचने का जो एग्रीमेंट था लोन एग्रीमेंट, वो बेकार है। क्यों है, क्योंकि वो किस साथ हुआ है, बिकॉज एज इट इज विद, है ना, माइनर के साथ, इसलिए वो बेकार है। इसका मतलब क्या हुआ, बीबी जी को बात समझ में आई, किसी बच्चे के साथ आपने लोन देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे मॉर्गेज पेपर लिखवा दिया, उसके मॉर्गेज, वो मॉर्गेज डीड ही क्या है, वो मॉर्गेज डीड लोन एग्रीमेंट ही क्या है, वो लोन एग्रीमेंट बेकार है, क्योंकि बच्चे के साइन नहीं कर सकते, बच्चे के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। बीबी जी ने एक और बात बोली, बीबी जी ने कहा कोई बात नहीं, पैसे दिलवा दो। क्वेश्चन नंबर 2 बोला बीबी जी ने, कोई बात नहीं सर, मॉर्गेज डीड है, मकान नहीं बेच सकते, तो पैसे वापस करा दो। तो बताओ भैया, क्या बीबी जी के पैसे वापस होंगे, क्या बीबी जी के पैसे वापस होंगे? जज साहब ने बोला सर पैसे वापस भी नहीं करा सकता, क्योंकि जब एग्रीमेंट ही वॉइड है तो एग्रीमेंट से रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन क्या हो चुकी है, वॉइड हो चुकी है। जब आपने पैसे, आप कह रहे हो उससे पैसे दिलवा दो, अब मैं किसी बच्चे को ये कैसे बोल दूं कि इसके पैसे वापस दे दे, क्योंकि पैसे तो वापस एग्रीमेंट के थ्रू दिए गए। जब एग्रीमेंट वॉइड है तो एग्रीमेंट से रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली बेकार हो गई, कोर्ट में जाने लायक नहीं है। आपस में सुलझा लो भैया, आपस में सुलझा लो, घर पे सुलझा लो। बहुत ही खतरनाक केस आया सर, दुनिया हिल गई बीबी जी की, मोहिरी बीबी जी की आत्मा आदि भटक रही है, बोली दादा सॉरी मोहिरी बीबी जी, सॉरी आंटी जी, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कोर्ट ने लिखवाया मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ, आंटी जी मेरे पीछे मत पढ़ना, आंटी सॉरी बाल पर आंटी। मोहिरी आंटी ऊपर से लटक लटक के देखती रहेंगी तुम्हें, भैया सॉरी मांग लो, बोलो सॉरी आंटी, बोलो जल्दी सॉरी आंटी। हाँ सभी बच्चे बोलेंगे सॉरी आंटी। तो इससे क्या निकल गया, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड 1903। मजा आ गया सर। और साथ साथ ये लिखी बात, मोहिर बीबी को पैसे भी रिकवर नहीं हो सकते, क्योंकि एग्रीमेंट विद द माइनर क्या है, वॉइड है। हंसो मत, सॉरी आंटी बोल लो। अगली बात सर, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, है कि नहीं बात, माइनर क्या हो सकता है सर, बेनिफिशियरी हो सकता है, यानी लॉ उनके खिलाफ जाने को मना करता है,
पर लॉ क्या नहीं बोलता, नो स्टिल नो लॉ प्रिवेंट हिम फॉर टेकिंग द बेनिफिट। यानी माइनर के साथ आप अगर कोई एग्रीमेंट करेंगे तो अगर वो एग्रीमेंट माइनर के खिलाफ होगा तो वॉइड होगा, यानी माइनर के फेवर में। यानी आप एग्रीमेंट माइनर के फेवर में कर सकते हैं, माइनर के फेवर में कर सकते हैं, एग्रीमेंट माइनर के फेवर में कर सकते हैं। यानी माइनर प्रोमिसर नहीं होगा, माइनर प्रोमिसी हो सकता है। माइनर के बेनिफिट्स, जैसे हमने एग्रीमेंट उसमें पढ़ा था ना कंसीडरेशन में, माइनर बेनिफिशियरी के बारे में पढ़ा था, ऐसे माइनर अगर बेनिफिशियरी है तो उसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। यानी मजेदार बात क्या है, अगर माइनर, इसका उल्टा कर दो, अगर मोहरी बीबी ने लोन लिया होता, सोचो अभी तो मोहरी बीबी ने लोन दिया, अगर मोहरी बीबी ने लोन लिया होता तो माइनर के साथ एग्रीमेंट माइनर के फेवर में हो जाता और मोहरी बीबी को लोन चुकाना पड़ता। ये बात कहां लिखी है सर, ये लिखी बात, मनी गिवन बाय माइनर कैन बी रिकवर बाय द माइनर बिकॉज ही कैन टेक द बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही डेंजर बात, माइनर ने अगर कोई पैसा दिया है, माइनर ने अगर कोई पैसा दिया तो माइनर उसे रिकवर कर सकता है कोर्ट में केस करके, क्योंकि माइनर के फेवर में हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के खिलाफ नहीं हो सकता। माइनर के लिए तो एक ही गाना चलने वाला है, कभी खुशी कभी गम नहीं, कभी खुशी कभी गम नहीं है, ठीक है। यानी माइनर प्रोमिसी हो सकता है लेकिन वादा करने वाला प्रोमिसर नहीं हो सकता। माइनर को लायबिलिटी नहीं चढ़ा सकते आप, माइनर को एसेट दे सकते हो। अगली बात, दिल थाम के बताना, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, ए पुष्पा माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं सर, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बात बताई, जब माइनर पार्टनर बनेगा तो पार्टनरशिप सिग्नेचर से होती है और माइनर के सिग्नेचर क्या होते हैं, माइनर के सिग्नेचर ही वॉइड होते हैं। तो भैया माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ये धारा 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं, माइनर कैन नेवर बिकम पार्टनर, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए आपको पार्टनरशिप में एंटर होना पड़ेगा, पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड पे साइन करना पड़ेगा और माइनर के साइन बेकार होते हैं। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। अगली बात, क्या माइनर कोर्ट में बार बार ये डायलॉग मार सकता है, क्या माइनर डायलॉग मार सकता है, अबे बच्चे की जान लेगा बे तू, अबे बच्चे की जान लेगा बे, अबे मैंने पहली बोला था बे, बच्चे की जान लेगा बे क्या तू, अगली बात, राइट, नो सर, क्या माइनर ये डायलॉग मार सकता है, हाँ सर, हाँ, इसको बोलते हैं माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट, माइनर हमेशा रिक्वेस्ट कर सकता है अपनी माइनॉरिटी के होने का, कि भैया मैं बच्चा हूं, 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 है कि नहीं बात, राइट, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, माइनर गाना गा सकता है, ठीक है। माइनर को यह कहने से नहीं रोका जाएगा, माइनर को यह कहने से नहीं रोका जाएगा कि वो एक बच्चा है, उसे पूरी आजादी है, उसे पूरी आजादी है भैया, उसे पूरी आजादी है रे, उसे पूरी आजादी है कोर्ट में बोलने की कि जच्चा 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 मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, बच्चा हूं, बच्चे की जान लोगे, मैं बच्चा हूं भैया, बच्चा हूं। माइनर को पूरी आजादी है बोलने की, जज साहब कह रहे भाई साहब बोलो आप बच्चे हो, चीख चीख के बोलो, हम आपको पूरा छूट देते हैं। तो माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, है ना, राइट, कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ वॉइड होंगे अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि माइनर क्या है, है ना, एक माइनर है, एक बात कोर्ट में प्रूफ कर दी गई। अगली बात बड़ी डेंजर सर, एक बच्चा तुम्हारी तरह बहुत डेंजर निकला, है ना, उसने अपनी झूठी एज दिखाई, झूठी एज, माइनर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग द एज, अपनी झूठी एज दिखा दी, अपनी झूठी एज दिखा दी तो भी उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है कि झूठी एज के बाद भी वो क्या बोल सकता है, झूठी एज के बाद भी वो कोर्ट में कह सकता है बच्चे की जान लोगे क्या, बच्चे की जान लोगे क्या, है कि नहीं बात, राइट। एस्टोपल मतलब होता है रोकना, एस्टोपल मतलब होता है रोकना, माइनर को यह कहने से नहीं रोका जाएगा कि वो एक बच्चा है, यानी माइनर यह बोल सकता है कि वो एक बच्चा है, उसे यह कहने से नहीं एस्टोप किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा ये कहने से कि वो बच्चा है, भाई तू बोल बच्चा है, तुझे कोई नहीं रोकेगा ये कहने से। अब झूठी एज दिखा के भी जज साहब ने उसके फेवर में, झूठी एज दिखा के भी जज साहब ने उसके फेवर में दे दिया केस, जज साहब ने बोला कि भैया बच्चे ने झूठी एज दिखाई, खानगुल वर्सेस लक्का सिंह, याद रखें केस खानगुल वर्सेस लक्का सिंह,
झूठी एज दिखा के सामान ले आया, झूठी एज दिखा के माइनर सामान ले आया। तो जज साहब ने कहा झूठी एज दिखा के अगर बच्चा सामान ले आया तो भी बच्चे को हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाने का, अरे बच्चे को हाथ नहीं लगाने का, क्या सामान गया? जज साहब ने कहा गया। बस सामान आपको वापस तभी मिल सकता है अगर वो बच्चे के पास पाया जाए। अब भैया बच्चा क्या लिया? बच्चा पानी की बोतल लिया, खाने की चीज लिया, झूठी एज दिखा के भैया मैं 20 साल का हूं, कॉन्टेक्ट कर लो, दे दो सामान, और वो पी गया पानी, कोल्ड ड्रिंक पी गया, खाना पीना खा गया। मजा आ गया है ना, माइनर कह रहा मजा आ गया। फिर बाद में कहा कि तू तो झूठी दिखा के सामान लाया, सामान वापस दे। सामान तो पेट में चला गया, उल्टी कर लू क्या भैया? ले 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 ले, चिप्स के साथ मिक्स होके आएंगे पापड़, बताइए जरा क्या उल्टी करके निकलवा लोगे? ना मुन्ना ना। तो जज साहब ने कहा अगर माइनर ने झूठी दिखा के सामान ले लिया तो आपको सामान मिलेगा अगर मनी या सामान ट्रेसेबल है। अगर ट्रेसेबल है तो ठीक है, अगर ट्रेसेबल नहीं है, उसने सामान खर्च कर दिया, पैसा खर्च कर दिया, फिर भैया झूठ के काम में भी माइनर ही जीतेगा। माइनर के लिए कभी खुशी कभी गम नहीं, कभी गम नहीं है। समझ गए सर, मजा आ गया सर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे, मजा आ गया, उल्टी थोड़ी करवा लोगे उससे, है कि नहीं बात? हाँ सर, बहुत बढ़िया बात कही, यही बात लिखी है सर, वापिस देना पड़ेगा डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो ट्रेसेबल है। यहां पे ट्रेसेबल नहीं था तो सामान्य पैसा वापस नहीं मिलेगा, सामान्य पैसा वापस नहीं मिलेगा। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। एक बच्चा तुम्हारी तरह बहुत होशियार, ए पुष्पा क्या कह रहा है सर? एग्रीमेंट बनवा लाया, कह रहा है सर अभी मेरे साथ साइन कर लो और मैं लिख के देता हूं, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब मैं आपको पैसे लौटाऊंगा, अगर मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा तो आप मेरे ऊपर केस कर देना, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, और मैं 18 साल के होने के बाद अपने ऊपर केस एडमिट मानूंगा कि मेरे पे केस वैलिड है क्योंकि मैं 18 साल का हो गया, मैं अभी आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूं, अभी पैसे मत लो, अभी मुझे पढ़ा दो, एग्रीमेंट लिख के ले लो मुझसे कि 18 साल के बाद अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरे ऊपर केस कर देना। मजा आ गया भैया, मजा आ गया, जल्दी बताओ क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? जज साहब ने कहा अरे मूर्ख, अरे बालक, अरे नादान, जब तूने ये साइन किए तब तेरी उम्र क्या थी? तब उम्र थी लेस देन 18। जब तूने ये साइन किए जब तेरी उम्र लेस देन 18 थी, जब तूने साइन किए जब तेरी उम्र लेस देन 18 थी। अब जब तेरी उम्र 18 से कम थी और 18 से कम पे तू साइन कर रहा है कि जब मैं 18 का हो जाऊंगा तब मेरे ऊपर केस कर देना, जब मैं 18 का हो जाऊंगा तब मेरे ऊपर केस कर देना। अरे जब तूने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट की डेट पर तेरी उम्र क्या थी? 18 से कम थी, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया। अब जब वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया तो वो फ्यूचर में मेजोरिटी पे रेक्टिफाई नहीं हो सकता, मेजोरिटी पे रेक्टिफाई नहीं हो सकता, मेजोरिटी पे तुम उसे वैलिड नहीं ठहरा सकते। तो जज साहब ने कहा रेक्टिफिकेशन ऑन मेजोरिटी नॉट अलाउड, मेजोरिटी के टाइम पे रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं है, ये लिखी बात। माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई द एग्रीमेंट ऑन द मेजोरिटी, क्योंकि जब वो ओरिजिनल एग्रीमेंट बनाया था तब वो क्या था? बच्चा था, रहे तब वो बच्चा था, क्योंकि रेक्टिफिकेशन आपको उस डेट पे ले जाता है जब आप बच्चे की स्थिति में थे और फिर आप उसे वैलिड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लो भैया, जो केस आया चाकू माइनर था, उसने प्रोमिसरी नोट दिया बालक को, क्या बोला? ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही मेक फ्रेश प्रोमिसरी नोट, कि भैया मेजोरिटी के टाइम पे वो नया प्रोमिसरी नोट बनाएगा ओल्ड के बदले, ओल्ड वाला ही क्या हो जाएगा? फिर से रिवाइव हो जाएगा, उसको ही हम नए में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा लोन जिंदा रहेगा। जज साहब क्या बोले भैया, जब तुमने ओल्ड बनाया, ओल्ड वन बनाया तो तुम्हारी उम्र क्या थी? उम्र थी 18 से कम, तो कैसे वैलिड होगा? नहीं होगा, समझ गए सर? तो पुराना भी वैलिड नहीं और नया भी वैलिड नहीं, पुराना भी वैलिड नहीं, नया भी वैलिड नहीं। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर जी। अरे बोल दो रे बचपा, ए पुष्पा इतनी बात याद आ गई? सर याद आ गई, मजा भी आ गया, बहुत शानदार बात। कॉन्टेड बाय माइनर गार्जियन, क्या माइनर के घर वाले माइनर के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं माइनर के बिहाफ पर? तो आप क्या बोलोगे? हाँ कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं, यस 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 कर सकते हैं, यस। भैया तुम जब बच्चे थे, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, जब तुम बच्चे थे स्कूल जाते थे, स्कूल
बस्ता टांग के बस्ता, जब तुम बस्ता टांग के स्कूल जाते थे तो मुझे बताओ, जब तुम बस्ता टांग के स्कूल जाते थे तो क्या स्कूल के साथ कॉन्टेक्ट तुमने किया? बताना जरा, बस्ता टांग ले तुमने, बस्ता टांग के स्कूल चल दे, मैं जा रहा हूँ मम्मी स्कूल जा रहा हूँ, मैं मेरी बस आ गई, बाहर आया भाई स्कूल जा रहा हूँ मैं। जब तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा स्कूल जाने का कॉन्ट्रैक्ट, बस्ते का कॉन्ट्रैक्ट, बस्ते कॉन्ट्रैक्ट, बस्ते में किताबों का कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ तुम पढ़ रहे हो स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने खुद किया था? ए भैया तुमने खुद किया बताइए जरा, पता जरा खुद किया था क्या? स्कूल जा रहा मेरी बस आ गई मम्मी, स्कूल में मेरा लंच छीन लिया था उसने, हाँ मम्मी मेरी दाल रोटी सब वही खा के पूरे दिन भूखा रहना पड़ गया मुझे। चिंता मत कर, मैं तेरे स्कूल चलूंगी, तेरी मैडम से बात करूंगी, कौन बच्चा तुझे परेशान कर रहा है, तू चिंता मत कर। तो भैया सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या तुम कर रहे थे वहां पे? नहीं हंस रहे हो, हंस कर रहे के सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम खुद कर रहे थे? नहीं भैया नहीं, तुम्हारे घर वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या थे सर? वैलिड थे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए किस लिए थे सर? तुम्हारे बेनिफिट के लिए थे। यस एस इट इज फॉर बेनिफिट्स, एज इट इज फॉर बेनिफिट, वो आपके बेनिफिट के लिए थे रे पुष्पा। तो जज साहब ने बोला माइनर के लिए अगर उसके माँ बाप उसके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाय द गार्जियन वैलिड होंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए है, है ना। लेकिन अगर माइनर के घर वालों ने, माइनर के मम्मी पापा ने, माइनर के गार्जियन ने माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए और वो उसके अगेंस्ट है ना, कि भैया इमोबाइल प्रॉपर्टी खरीदेंगे बच्चे के नाम पे खरीदेंगे, पैसे ना चुका पाए तो बच्चे को जेल कर देना, बच्चे को सजा सुना देना, तो बच्चे के फेवर के लिए हो सकते हैं, मां बाप के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के अगेंस्ट में नहीं होंगे, नॉट अगेंस्ट द माइनर, है ना। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बेनिफिट के लिए होंगे, बच्चे के अगेंस्ट में नहीं हो सकते, अगर उसके मां बाप ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बच्चे के लिए। हाँ, अगर 18 के बाद अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और 18 के बाद सब कुछ नया बना रहे हो तो वो तो वैलिड है, क्योंकि तुम 18 के हो गए ना। समझ गए सर? ठीक है भैया। अगला, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? एजेंट, क्या माइनर एजेंट बन सकता है बताओ? हाँ सर, माइनर एजेंट बन सकता है, क्योंकि एजेंट इज नॉट अ चाइल्ड लेबर, हो सकता है, हो सकता है नॉमिनी भी हो सकता है। माइनर कैन बिकम अ एजेंट, क्योंकि माइनर एजेंट बन सकता है, क्योंकि एजेंट कभी चाइल्ड लेबर नहीं होता, एजेंट अपना कमीशन खाता है सामान बेचकर। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? इंसॉल्वेंट की वीडियो दिखाई थी तुम्हें सर, माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइनर के तो कभी खुशी कभी गम नहीं है ना। माइनर के लिए क्या होगा सर? माइनर के लिए इंसॉल्वेंसी इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज नो लायबिलिटी ऑन माइनर। माइनर के लिए कोई लायबिलिटी नहीं होती, माइनर के लिए सिर्फ एसेट एसेट होती है, एसेट एसेट होती है रे भैया, एसेट एसेट होती है, लायबिलिटी नहीं होती। इसलिए जब लायबिलिटी नहीं है तो इंसॉल्वेंसी की कोई बात नहीं आएगी, इंसॉल्वेंसी कोई बात नहीं आएगी। क्या माइनर के पीछे पड़ जाओगे? कर, तुझे काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तुझे काम, कुटाई हो जाएगी तेरी, काम कर। नहीं कर सकते ऐसा माइनर के साथ, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर एग्रीमेंट विद एब्सोल्युटली वर्ड, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कि माइनर के साथ एग्रीमेंट करके आपने माइनर के पीछे लग गए, भैया तुझे काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। भैया जब माइनर के साथ एग्रीमेंट ही वॉइड है तो माइनर से आप जबरदस्ती, माइनर से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, नहीं खरीद सकते। अभी तो पढ़ाया माइनर के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते उसके माँ बाप। मैं बच्चे को जेल करवा दोगे, बच्चे के ऊपर लायबिलिटी चढ़वा दोगे, बच्चे की जान लोगे क्या बे? है कि नहीं बात? काम नहीं करा सकते। अच्छा, किसी माइनर के लिए मैं श्योरिटी बन सकता हूं? एक बालक है क्लास में, माइनर है, उसकी एज लेस देन 18 है, मैंने इंस्टीट्यूट को बोल दिया कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं अगर ये बालक पैसे ना दे तो पैसे मुझसे लेना, मैं गारंटी देता हूं अगर ये बालक पैसे ना ले तो पैसे मुझसे लेना, मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि बालक पैसे ना ले तो मुझसे पैसे लेना। कैसा होता है सर? यस अलाउड है सर, अलाउड है, क्योंकि गारंटी क्या है? क्योंकि गारंटी माइनर के फेवर में है,
क्योंकि गारंटी माइनर के फेवर में है, तो माइनर के बेनिफिट में है, माइनर के फेवर में, तो माइनर के फेवर में जो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो भी गारंटी वारंटी देनी, सब चलेगा रे, सब चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्या बच्चा अपने कामों से अपने मां बाप को फंसा सकता है? क्या बच्चा अपने कामों से अपने मां बाप को फंसा सकता है? नहीं सर, बच्चा कैन नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द पेरेंट्स। अब भैया बच्चे ने कोई आतंकवादी घटना कर दी, आतंकी बालक ना तुम्हारी तरह आतंकी, बच्चा तुम्हारी तरह आतंकी था, तुमने कोई आतंकवादी घटना कर दी, तुमने बम पटाके फोड़ दे, तुमने मार पिटाई कर दी, शीशे फोड़ दिए स्कूल के भैया, तो तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पापा जल जाएगा, बम कैसे फटेगा पापा? तो भैया बम तुमने फोड़ा, पापा थोड़ी जेल चले जाएंगे, है कि नहीं बात? पिताजी और माताजी लायबल तभी होंगे जब पिताजी माताजी खुद ये बोल दे, क्या बोल दे कि बच्चे के काम के लिए हम प्रिंसिपल है, बच्चा हमारा एजेंट है। व्हेन चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट, जब पिताजी माताजी खुद ये बोल के आ जाए दुकान पे स्कूल पे कि बच्चे के किए कामों की सजा हमें देना, बच्चा हमारा एजेंट है और हम बच्चे के प्रिंसिपल है, बच्चे के काम हमारे काम माने जाएंगे, तब हो सकता है माँ बाप लायबल हो, वरना बच्चे के खतरनाक कामों के लिए माँ बाप को जेल नहीं भेजने का है। सर हाँ बिल्कुल सही, एक बच्चा तुम्हारी तरह खतरनाक और ये मैं अंकुर भैया, बच्चा कह रहा सर जी आप पुरानी गाड़ी से आते हो, इतने सालों से गाड़ी चला रहे हो, मुझे बहुत दुख होता है हमारे गुरुजी पुरानी गाड़ी चला रहे, मतलब मैं आपको नहीं भाई रो क्यों रहा है सर, मैं आपको पुरानी गाड़ी चलाते दिल पिटीस पहुंचती सर, दिल पिटीस। मैंने कहा भाई तो नई गाड़ी दिलाएगा मुझे गिफ्ट में, पहले पास होता तब दिला देना, पास हो ना हो, पास हो ना हो, आपको गाड़ी अभी दिलाऊंगा सर मैं। मैंने कहा चल भाई, बालक चला के गाड़ी लगे, कह रहा सर बस आपको एक काम करना, डाउन पेमेंट आप दे देना, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। बालक ने कार शोरूम में जाके एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, साइन कर दिया अपने कि भैया ईएमआई मैं भरूंगा, डाउन पेमेंट सर करेंगे। वहां से गाड़ी आ गई, मैं निकला गड्डी लेके, गाड़ी लेके आ रहा सर, सर आप अच्छे नहीं लगते सर पुरानी गाड़ी में, आप चलाओ गाड़ी सर, आप चलाओ। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं है ना, अब मैं गाड़ी चला रहा हूं भैया, माइनर हूं मैं, माइनर है ना, अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं ठीक है, ईएमआई तुमने भरी नहीं, तुमने ईएमआई नहीं भरी, बैंक वाले आ गए, तुमने ईएमआई नहीं भरी ठीक है, बैंक वाले आ गए, बैंक वाले जैसे आ गए ठीक है, कहने लगे भैया ईएमआई नहीं भरी गई है, ईएमआई लैप्स हो गई है, ईएमआई लैप्स, आपको गाड़ी वापस देनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लेंगे, पैसा भरना पड़ेगा है ना, ठीक है आपको पैसा भरना पड़ेगा राइट। तो अब मैंने कॉल किया तुम्हें, मैंने कहा भैया ईएमआई वाला भैया, ये पुष्पा ये क्या करवा रहा भैया, क्या हो गया सर जी? अरे भैया बैंक वाले आ गए। बालक कह रहा मैं सर चिंता मत करो, जान लगा दूंगा मैं, आप हिलना मत घर से। बालक आया गाड़ी का के लेट गया, सूल छट्टी बन गया, अंजुल मैंने पहले कहा था गाड़ी ये खींच भी नहीं लेगी, अगर गाड़ी ही ले गए तो मेरी लाश के ऊपर से हिलेगी, बच्चा लेटे गाड़ी के नीचे की गाड़ी एक इंच भी हिलेगी तो मेरी लाश के ऊपर से हिलेगी, मेरी लाश के ऊपर से हिलेगी, गाड़ी नहीं हिल सकती। बच्चा कोर्ट में गवाही दे रहा है सर ईएमआई मैंने करी, मैं ईएमआई भरूंगा, सर जी कोई गलती नहीं, सर ने डाउन पेमेंट दी थी और एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। जैसे मोहरी बीबी को लोन वापस नहीं मिला, ऐसी भैया कंपनी को क्या वापस, कंपनी को ईएमआई वापस नहीं मिलेगी, पैसा वापस नहीं मिलेगा, गाड़ी अपनी है। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत बढ़िया, यही तो मैं कह रहा हूँ, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड, कंपनी गलती है, कार कंपनी को गलती है, बैंक की गलती है, लोन वापस नहीं मिलेगा भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो गाड़ी मिलेगी। क्या बोला जज साहब ने कहा ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। जज साहब ने कहा भैया सर आप बड़े थे ये बालक था, आप बड़े थे ये बालक था, आप बड़े थे ये बालक था, तो ये साजिश किसकी है? मैंने कहा सर ये साजिश मेरी नहीं है, नहीं ये साजिश बालक की है, इस बालक की साजिश है, इसी बालक की साजिश है, ये जो देख रहा है ना स्क्रीन पर लैपटॉप की, इसी बालक की साजिश है, इसी की साजिश है। जज मान लेंगे? जज ने नहीं माना, दिल पे लगी बात, जज ने नहीं माना। जज ने कहा सर ये बालक की साजिश नहीं है, आपकी साजिश है, आपने बालक को समझाया बुझाया बहकाया और बोला तेरे नाम पे करेंगे और
सारा का सारा लोन तेरे नाम पे लेंगे, ईएमआई तेरे नाम पे लेंगे, तुम्हारी चाहिए सर, बच्चा तो नादान है, आप किधर है? मैं बहुत दुखी हुआ, बच्चे के चक्कर में मैं फंस गया भैया। जज साहब ने कहा अगर कोई भी एग्रीमेंट माइनर एडल्ट के साथ करता है तो एडल्ट को लपेटा जाएगा, एडल्ट की गलती मानी जाएगी और माइनर को छोड़ दिया जाएगा। यानी एग्रीमेंट अगर एडल्ट के साथ हुआ है तो एडल्ट विल बी लायबल। ये लिखी बात, जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर, वन ऑफ देम इज माइनर, इट वाज हेल्ड दैट वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर। आपका कॉन्ट्रैक्ट मेजर के खिलाफ होगा, एडल्ट के खिलाफ नहीं होगा, नॉट द माइनर, माइनर खिलाफ नहीं होगा। सर बच्चा बहुत तेज निकला, बहुत चालाक निकला, लेकिन बच्चा ईमानदार था, कहता सर मेरी गलती नहीं है सर, मैंने तो आपको कार दिलवा दी सर, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। सर क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? अरे पुष्पा क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? जज साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, शेयर होल्डर कैसे बन जाएगा? शेयर होल्डर बनने के लिए तो डीमैट खोलना पड़ता है, डीमैट खोलने के लिए आधार पैन कार्ड बनाना पड़ता है, पैन कार्ड बनाने के लिए 18 प्लस होना पड़ता है, तो शेयर होल्डर नहीं बन सकता रे, माइनर कैन नॉट बी ए शेयर होल्डर। लेकिन माइनर को क्या हो सकता है सर? माइनर एज अ बेनिफिशियरी, माइनर एज अ नॉमिनी हो सकता है अगर उसे शेयर ट्रांसफर में मिल गए या ट्रांसमिशन में मिल गए और वो फुल्ली पेड हुए। ट्रांसफर मतलब किसी ने शेयर तुम्हें गिफ्ट कर दिए, ट्रांसमिशन मतलब वसीयत में मिल गए, वसीयत में शेयर मिल गए, है कि नहीं बात? राइट, तो लाइफ तो आप के पास शेयर आ सकते हैं, पर शेयर होने चाहिए फुल्ली पेड, फुल्ली पेड। समझ गए सर, मजा आ गया सर। सर अगला केस, कितने बालकों ने घंटी बजाई है पड़ोसी की और बजा बजा के भग लिए? कितने बालक है जो पड़ोसी घंटी बजा बजा के भग लिए, है कि नहीं बात? सर हम सभी ने ये काम किया, घंटी बजा बजा के भोज भागे, है कि नहीं बात? अगर तुमने पड़ोसी घंटी बजाने के बजाय घंटी फूंक दी उनकी, घंटी में तिल्ली घुसा दी, आग लगा दी, मैं कर चुका हूं ऐसा, ठीक है, राइट, तो उनके घर में जो भी नुकसान हुआ है, उनके घर में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम ये नहीं बोल सकते माइनर के लिए तो कभी खुशी कभी कम बच्चे की जान लेगा क्या? ना ना ना, तो भैया बच्चे की जान लेगा मतलब बच्चा कोई आपराधिक घटना थोड़ी करेगा। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, टॉर्ट का मतलब क्या होता है सर? सिविल रॉन्ग। तो भैया पड़ोसी घंटी बजाने का मतलब है घंटी बजा के भाग लो, उनकी घंटी में आग लगा दो, ये थोड़ी होगा, मैं तो बच्चा हूं कुछ भी करता हूं, आग लगा दो पड़ोसी के घर में, है? तो जज साहब ने कहा बच्चा लायबल होगा सिविल रॉन्ग के लिए, है ना, जैसे स्ट्रीट लाइट फोड़ दी, स्ट्रीट लाइट फोड़ दी आपने, सिविल रॉन्ग, शीशे विशे तोड़ फोड़ कर दी सामाजिक, सिविल रॉन्ग, आतंकी घटना कर दी, बम पटाखे चला दिए, दूसरे घर में जाके आग लगा दी, सिविल रॉन्ग। तो जज साहब ने कहा बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा सिविल रॉन्ग के लिए। अब जैसे वो लगाना जो भेजा मैंने तुम्हें, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, अबे घोड़े के दुम पे हथौड़ा मारेगा सिविल रॉन्ग है? वो घोड़े को जानवर को नुकसान पहुंचा रहा है, जानवर की जान लेगा क्या? नहीं, ये सामाजिक गलत है, ऐसे गंदे काम बुरे काम नहीं करने। अगर आप गंदे काम बुरे काम करेंगे तो हगीज 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 पहननी पड़ेगी, हगीज। सर मैंने बच्चों ने बहुत पहनी है हगीज। नहीं नहीं सर, दूसरे करने मैं तो मैम इमो को पैंट, मैं तो मैम इमो को पैंट पहनता था, हगीज नहीं पहनता था। तो जज साहब ने हगीज वाला केस निकाला, उसमें केस में क्या आया, एक बच्चे ने हॉर्स खरीदा और हॉर्स लिया रेंट पे और क्या बोला, मैं उसे कुदाऊंगा नहीं, मैं कुदाऊंगा नहीं, लेकिन बच्चे ने अपने दोस्त को दे दिया और क्या किया, कुदा दिया, जिससे जानवर की मृत्यु हो गई, घोड़े की डेथ हो गई भैया, जानवर की मृत्यु हो गई अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन। तो जज साहब ने कहा भाई जब तुझे मना किया था कि घोड़े को मत कुदाइयो, घोड़े को मत कुदाइयो, भाई घोड़े को मत कुदाइयो, क्यों कुदाया तूने घोड़े को? माइनर हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट, माइनर हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट, माइनर को जिम्मेदार ठहराया गया सिविल रॉन्ग के लिए, माइनर को जिम्मेदार ठहराया गया सिविल रॉन्ग के लिए, समझ गए सर। लेकिन दूसरा केस देखो, दूसरे केस में बच्चे ने घोड़ा रेंट पे लिया, बच्चे ने घोड़ा रेंट पे लिया राइडिंग के लिए, राइडिंग करते करते घोड़े की इंजरी हो गई, राइडिंग करते करते घोड़े की इंजरी हो गई, इसके लिए वो लायबल नहीं है, अब वो सिविल रॉन्ग नहीं है, he could not be liable for civil wrong, क्योंकि तुमने घोड़े को राइड करने के लिए घोड़े को दौड़ा जा रहे, अब घोड़े को अगर दौड़ा रहे हो तो घोड़े को राइडिंग करने के लिए, दौड़ाने के लिए तो तुमने लिया था, अब दौड़ते दौड़ते राइडिंग करते करते अगर चोट लग गई तो उसमें मेरी गलती क्या है, बच्चे की गलती क्या है? बच्चे की गलती नहीं है। लेकिन आपने घोड़ा राइडिंग के लिए लिया और घोड़े देने वाले ने बोला इसे कुदाइयो मत, इसे कुदाइयो मत, तुमने भैया झांसी की रानी का घोड़ा बना दिया और उसे कुदा दिया पहाड़ी से, मर गया बेचारा घोड़ा,
तो ये सिविल रॉन्ग है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, सिविल रॉन्ग में सजा मिलेगी। तो हगीज वाला केस याद रखेंगे सर, हगीज वाला केस याद रखेंगे। देहू कह रहा पैसा वसूल, पैसा वसूल। पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है जो पैसा वसूल हो गया पिक्चर का। हाँ सर पैसा वसूल हो गया, फीस वसूल हो गई, मतलब फीस वसूल हो गई तुम्हारी। हाँ राइडिंग करते करते अगर मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, देखो केस में राइडिंग करते करते मरा नहीं, पर राइडिंग करते करते क्या हो गया, इंजर्ड हो गया है कि नहीं बात, राइडिंग करते करते इंजर्ड हो गया। मर गया तो देखो जज जो फैसला देगा वो देगा, लेकिन एग्जाम में मरने का नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा राइडिंग करते करते इंजर्ड हो गया। तो राइडिंग के लिए लिया था, करते करते इंजर्ड हो गया, क्या करें, समझ गए सर। और भैया माइनर का आखिरी पॉइंट आता है जो बहुत अच्छे से सिखाया एग्जाम के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या सर, अगर आपने बच्चे को क्या दिया है सर, आलोक की कहानी, आलोक याद आ गया, आलोक, हाँ सर आलोक याद आ गया, आलोक की कहानी, आलोक की कहानी। अगर आपने किसी बच्चे को रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन मेडिकल या केस लड़ने की फीस दी है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन मेडिकल केस लड़ने की फीस, फिर से बोल लो, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन केस लड़ने की फीस, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन मेडिकल केस लड़ने की फीस, अगर आपने ये सब दिया है तो आपके बच्चे से वसूल सकते हैं, आपके बच्चे से वसूल सकते हैं, आप बोल बताओ क्या बच्चे से वसूला जा सकता है क्या, बिल्कुल सही, नहीं 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 सर बच्चे से नहीं, नॉट फ्रॉम माइनर, बच्चे को हाथ नहीं लगाने का, ए पुष्पा बच्चे को हाथ नहीं लगाने का, बच्चे को हाथ नहीं लगाने का, किससे वसूल सकते हो, बच्चे से नहीं वसूल सकते, किससे वसूल सकते हो, माइनर की प्रॉपर्टी से, माइनस प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, लीगल एडवाइस फ्यूनरल सेरेमनी है ना, राइट। तो आप बोलोगे क्या बच्चे से वसूला जा सकता है, नहीं, ये लिखी बात, बच्चे से नहीं, माइनर दोज डिपेंड अपॉन हिम एंटाइटल टू रिइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, माइनर से वसूला नहीं जाएगा, माइनर की प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा, माइनर से वसूला नहीं जाएगा, माइनर की प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा। अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो वसूला जाएगा, माइनर का बैग है, बैग माइनर को बैग से बहुत प्यार था, बैग छीन के ले आना, कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो मेरा बैग, वापस ये बैग दे, कहां ले जा रहे हो मेरा बैग, मेरा बैग मुझे छोड़ दो, देनी देना पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा, माइनर की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, मोबाइल माइनर का मोबाइल है छीन लो, कहां ले जा रहे हो मेरा मोबाइल, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भैया, माइनर को हाथ नहीं लगाने का, माइनर को टच नहीं करने का, माइनर की प्रॉपर्टी ले जाओ, गुल्लक खिलौने बैग चांदी की चम्मच सब ले जाओ रे, कोई दिक्कत नहीं ले जाओ, लेकिन माइनर को टच नहीं करने का, माइनर को टच नहीं करने का, समझ गए सर। माइनर प्रॉपर्टी इज लाइबल, माइनर हिमसेल्फ इज नॉट लाइबल, माइनर प्रॉपर्टी इज लाइबल, माइनर हिमसेल्फ इज नॉट लाइबल। सर केस क्या आया, केस आया हंसरे नलायक को, केस क्या आया, केस आया एक बच्चे को, एक बंदे ने 11 कोट दे दिए, 11 कोट, क्या 11 कोट कभी नेसेसिटी हो सकते हैं, जज सामने बोला ए टेलर साहब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको माइनर की प्रॉपर्टी से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको माइनर की प्रॉपर्टी से पैसे नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कोट सप्लाइड बाय टेलर वॉज नॉट नेसेसरी, कोट सप्लाइड बाय टेलर वॉज नॉट नेसेसरी, माइनर की प्रॉपर्टी से पैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 11 कोट कभी नेसेसिटी नहीं होते। अरे रोटी कपड़ा मकान में बेसिक रोटी, अब नान थोड़ी खिला दोगे उसे, बर्गर खाऊंगा मैं, पिज्जा खाऊंगा, मैं ना खाता रोटी, ये क्या है, दाल रोटी, दाल रोटी ना खाता, डोमिनोज से पिज्जा मंगा, तो भैया भाई नेसेसिटी में, नेसेसिटी में भैया नेसेसिटी में, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, नेसेसिटी में क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटी वाला आता है, 11 कोट थोड़ी हो जाएंगे नेसेसिटी है कि नहीं बात, बेसिक पैंट शर्ट दाल रोटी मकान में, नॉर्मल सा मकान, ये थोड़ी कि भैया एंटीला लगाऊंगा, अंबानी का एंटीला दे मुझे, ना भैया ना, ऐसा ना होगा भैया, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने कहा को 11 कोट सप्लाई करना इज नॉट नेसेसिटी, इज नॉट नेसेसिटी, इज नॉट नेसेसिटी। अगर बच्चे के पास प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चे के पास प्रॉपर्टी नहीं है, अगर बच्चे के पास प्रॉपर्टी नहीं है और तुमने उसको रोटी कपड़ा मकान दे रखा है बेसिक, अब माइनर से वसूल सकते हो क्या, अब नहीं आ सकता कुछ भी,
माइनर को तुम ये नहीं बोल सकते तेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है ना, तू मेरे घर का नौकर बन जा, मेरे घर का काम कर, झाड़ू पोछा लगा, साफ सफाई कर, गाड़ी साफ कर, बर्तन साफ कर। ना भैया ना, माइनर को पर्सनली काम नहीं करा सकते, माइनर की प्रॉपर्टी नहीं है तो खेल खत्म, अब माइनर को हाथ नहीं लगाने का। बिल्कुल सही बात सर। सर नेसेसिटी में और क्या आएगा, नेसेसिटी में क्या आएगा, अगर आपने उसको केस करने के पैसे दे दिए, लैंडिंग मनी, लैंडिंग मनी फॉर केस फाइल, तो ये उसकी नेसेसिटी में आएगा, ठीक है। मेडिकल नेसेसिटी में आएगा, एजुकेशन नेसेसिटी में आएगा। और अगर माइनर में, माइनर के घर पे अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई और आपने अंतिम संस्कार करने के पैसे दे दिए, तो अंतिम संस्कार भी किसमें आएगा सर, नेसेसिटी में आएगा, राइट। और आखिरी बात, ये लिखी बात जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक बात, डेंजर, खतरा बनाएंगे, डेंजर लिखेंगे सर। फिर से चीख चीख के बोल रहा हूं, क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ नेसेसिटी कैन बी अगेंस्ट द माइनर्स प्रॉपर्टी, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए ही हो सकता है, नॉट अगेंस्ट माइनर पर्सनली। माइनर को पर्सनली आप लायबल नहीं कर सकते रे पुष्पा, माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते, नॉट अगेंस्ट द माइनर पर्सनली। हाँ, माइनर को तुमने पैसे दे दिए केस लड़ने के लिए, डिफेंडिंग सूट यानी केस लड़ने के लिए पैसे दे दिए, तो भैया नेसेसिटी में मानेंगे तो लिखी बात, डिफेंडिंग द सूट, पैसे दे दिए माइनर को, जा केस लड़ ले अपना, तो वो भी उसकी नेसेसिटी में आएगा। बोलो समझ गए सर, माइनर कॉन्सेप्ट बिल्कुल बड़े तरीके से समझ गए सर, मजा आ गया सर। बच्चे कह रहे हैं सर समझ गए सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा ही आ गया, जानदार शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत मजेदार तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, उम्मीद है अब तुम इसे नहीं भूलोगे।